दमोह जिले के जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ग्राम पंचायत सगरा पहुंचे। इस दौरान विधायक द्वारा ग्राम के कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए बैठक में उपस्थित नव निर्वाचित जनपद सदस्य बबलू सिंह, सगरा सरपंच जिनेश कुमार जैन, रिछई सरपंच गौरव गोलू गोस्वामी सहित ब्लॉक सरपंच संघ के अध्यक्ष दीवान विक्रम सिंह सहित ग्राम के वरिष्ठजनों एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं का शॉल श्रीफल से सम्मान किया। इसके पश्चात ग्राम भटिया में बरसते पानी में विधायक जी ने जनसंपर्क करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी और निराकरण का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सत्येंद्र सिंह लोधी, जिला महामंत्री उत्तम सिंह महाराज, युवा मोर्चा महामंत्री रत्नेश सिंह लोधी, शेरा जैन, अमन जैन, विनय राय सहित भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं ग्रामीण जनों की उपस्थिति रही। एशियन रिपोर्टर अभिषेक खरे की रिपोर्ट। तो ये जान पहचान करने का भी एक अवसर है, एक कार्यक्रम है। तो इसमें हम अभी 6 ग्राम केंद्र की, मतलब 6 BDG क्षेत्र की बैठक लेके आए हैं, जिसमें सभी लोगों से हमने परिचय लेने का काम किया है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, खड़े होकर अपना परिचय देंगे, ताकि मेरी जान पहचान उनसे हो जाए। उसमें क्या करना है, अपन को नाम बताना है, अपन क्या करते हैं काम बताना है, और अपन कहाँ के निवासी हैं। तो नाम, काम और धाम, ये 3 चीज़ें अपन लोग खड़े होकर बताएंगे, तो सारे लोग आपस में परिचित भी होंगे और एक दूसरे को जानेंगे भी। यहाँ से शुरू करेंगे दादा से। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो अब नवनिर्वाचित सरपंच भी हैं और हमारे इस ग्राम केंद्र के संयोजक भी हैं, मतलब पूरे बीजेपी क्षेत्र के संयोजक हैं हमारे आदरणीय जिनेश जैन जी, वो नवनिर्वाचित सरपंच हुए हैं। मैं चाहता हूं सारे लोग तालियां बजाकर और अपने एक और अच्छे कार्यकर्ता। इस बार की विशेषता ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बैकग्राउंड से बहुत सारे लोग जीत के आए हैं। तो एक हमारे विक्रम भैया है, बने हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे गोलू गोस्वामी जी रिछई से सरपंच बने हैं, मैं चाहता हूँ उनका भी तालियों का स्वागत।